इतिहास के पन्नों से आज फिर हम कुछ नया आपके लिए निकाल कर लाए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन इतिहास में आज की तारीख को आखिर क्या हुआ था। 24 मई 1896 में पंजाब प्रांत के लुधियाना में करतार सिंह सराभा का जन्म हुआ था। करतार सिंह सराभा को 16 नवंबर 1915 को फांसी पर चढ़ाया गया। तब वे मात्र 19 वर्ष के थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह उन्हें अपना आदर्श मानते थे। करतार सिंह की माता का नाम साहिबा कौर था तथा पिता का नाम मंगल सिंह था। 10वीं कक्षा पास करने के उपरांत उनके परिवार ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें अमेरिका भेजने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 1912 को सराभा ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा। करतार सिंह सराभा को उनके 6 अन्य साथियों के साथ लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। साल 1915 में गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने उत्तर भारत की सभी सैनिक छावनियों में आज़ादी का शंखनाद करने की योजना तैयार की। हालांकि यह योजना असफल रही, सफल नहीं हो सकी, जिससे चलते सराभा और उनके मित्रों को फांसी दी गई। ध्यान रखिएगा, करतार सिंह सराभा भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी थे जो पंजाब में जन्मे थे। करतार सिंह सराभा वो व्यक्ति थे, जब उन्हें फांसी हो रही थी तो मात्र 19.5 साल के थे। करतार सिंह सराभा भगत सिंह के आदर्श थे, भगत सिंह उन्हें अपना आदर्श मानते थे। करतार सिंह सराभा सोचिए उस समय अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे और गदर पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना भारत को आजाद करने के लिए हुई थी, ऐसे लोगों के माध्यम से जो विदेशों में रहते हैं। तो आप बस ये देख सकते हैं या ये जान सकते हैं कि 19-19 साल के लड़के, 17-17 साल के लड़के, 18-18 साल के लड़के देश को आजाद करने के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, तब जाकर ये आजादी आपको नसीब हुई है, ये आजादी आपको मिली है। वो इसलिए नहीं चढ़े कि इसमें उनका कोई फायदा था, वो इसलिए चढ़े क्योंकि उनके आने वाली पीढ़ियां सुखी से रह सके, अच्छे से रह सके, अपने देश अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। बस ये देखना है कि आप अब क्या उनके सपनों को साकार कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हाँ तब तो सही है, लेकिन अगर उनके सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने में बदलाव की आवश्यकता है, जरूरत है। तो इतिहास के पन्नों से आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।